हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल साइकोटेक। दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं लाइफ स्पेन साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, लाइफ स्पेन साइकोलॉजी इग्नू एम इन साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इसका कोड है MPC 002। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और साथ ही बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट में यानी कि लाइफ स्पेन साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से लगातार ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और दोनों को डिफाइन भी करने के लिए पूछा जा सकता है। सेकेंड टॉपिक है फिजिकल, साइको सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, अर्ली स्कूल ईयर्स दैट इज 6 to 11 ईयर्स, एडोलसेंस, एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड एंड एजिंग। तो दोस्तों, ये जो प्रीनेटल से एजिंग तक का जो पीरियड है, इसमें से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें या तो फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा या साइको सोशल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। इसके बाद आता है एक्नॉलेजिंग सेक्सुअलिटी ड्यूरिंग एडोलसेंस। इसके अंदर कॉजेज एंड हाई रिस्क बिहेवियर को पढ़ना है। इसके बाद कुछ थ्योरीज आती हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पियाजेट थ्योरी, एरिक्सन एंड लेविन्सन थ्योरी। एंड इसके बाद लाइफ स्पेन डेवलपमेंट। लाइफ स्पेन डेवलपमेंट क्या है, उसके क्या स्टेजेस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मेथड्स एंड ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेमेडियल प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके बाद जो टॉपिक आता है इशूज़ एंड चैलेंजिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और जो भी पीरियड्स हैं उनके इशूज़ और चैलेंजेस के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मैंने टॉपिक्स अभी आपको बताए हैं, आप आगे मैं आपको क्वेश्चंस पेपर दिखाने जा रहा हूँ, उसमें आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से आए हुए हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसी तरीके से सेक्शन बी जो 6 मार्क्स का होता है उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से आपको 4 करने होते हैं और सेक्शन सी में से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं जिसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए यानी कि 10 मार्क्स क्वेश्चन से। सबसे पहले देखते हैं दिसंबर 2019। इसमें 4 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रीनेटल डेवलपमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके पीरियड्स के बारे में। सेकेंड, पियाजे थ्योरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड। थर्ड क्वेश्चन है साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग लेट एडल्टहुड। फोर्थ है साइको सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो आप आगे भी ऑब्जर्व करेंगे, जो आगे मैं क्वेश्चन पेपर बताऊंगा कि उसमें भी साइको सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एनी ऑफ द पीरियड जो मैंने शुरू में आपको बताया, लेट एडल्टहुड हो, चाइल्डहुड हो या मिडल एडल्टहुड हो, उनमें से ही लगभग घुमा फिरा के क्वेश्चंस होते हैं। जून 19 में आप देख सकते हैं लाइफ स्पेन डेवलपमेंट है, फिजिकल, साइको सोशल एंड कॉग्निटिव तीनों पूछा गया इसमें ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। देन लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसके बाद कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग एडल्टहुड स्टेज। दिसंबर 18 में मेथड्स एंड ऑब्स्टेकल्स इन स्टडिंग लाइफ स्पेन साइकोलॉजी, साइको सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, पियाजे थ्योरी एंड चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस। और इसमें आप देख सकते हैं 4 में से 2 क्वेश्चन तो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, थ्योरीज़ के बारे में, एक तो पियाजे थ्योरी है और एक एरिक्सन एंड लेविन्सन थ्योरी। दिसंबर 17 में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैजार्ड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल एडल्टहुड के दौरान कॉग्निटिव चेंजेस। इस तरीके से लगभग आप जितने भी ऑब्जर्व करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जून 17 में आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। इसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग अर्ली एंड मिडल एडल्टहुड। अब अगर सेक्शन बी की बात करें जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप यहाँ पे दिसंबर 19 के क्वेश्चन पेपर में आप देख पा रहे होंगे, आप फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं थियरीज ऑफ साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड फिफ्थ क्वेश्चन एजिंग प्रोसेस इन लेट एडल्टहुड। ये सारे मैंने शुरू में ही बताए हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताएं उनमें से ही क्वेश्चंस हैं। जून 19 में इन्फेंसी, पियाजे थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, लेविन्सन थ्योरी, इशूज़ एंड चैलेंजेस ड्यूरिंग लेट एडल्टहुड स्टेज, ये सारे मैंने टॉपिक्स में कवर किए हुए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। इसी तरीके से आप दिसंबर 18 में देख सकते हैं motor development in early childhood, a cognitive development in adolescence, and how do adolescents acknowledge sexuality, इसका भी मैंने बताया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है इशूज ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड। जून 18 में आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी और वेरियस डिसऑर्डर इन फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 6 to 11 ईयर्स ऑफ एज। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इशूज ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड। तो मैं ज़्यादा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ 6 मार्क्स क्वेश्चन में एक इशू का क्वेश्चन जरूर है, किसी भी स्टेज का इशूज़, यानी कि इशूज़ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड हो या मिडिल एडल्टहुड हो, कुछ भी हो, लेकिन एक इशू का क्वेश्चन जरूर है। दिसंबर 17 में आप यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, 3 आवर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसी तरीके से आप अगर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जून 17, तो जून 17 में भी इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो मैंने शुरू में जो बताए थे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग जो मैंने स्टेजेस बताए थे, उन स्टेजेस में से कोई भी स्टेज। आप सेक्शन सी अगर देखते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें दिसंबर 19 में देख सकते हैं टाइम लैग मैथड वर्सेस लॉन्गिट्यूडिनल मैथड, डेवलपिंग मैथ स्किल्स एज ए बेसिक स्कूल स्किल एंड ग्रोथ स्पर्ट। जून 19 में ऑब्स्टेकल्स इन स्टडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, सिमेंटिक एंड ग्रामर, कंसेप्ट फॉर्मेशन। दिसंबर 18 RH इनकम्पैटिबिलिटी, कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रेन। जून 18 पीरियड ऑफ हीटर्स, एजुकेशनल एक्सर्शन, रेमेडियल प्रोग्राम फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। दिसंबर 17 सिक्वेंशियल एंड टाइम लैग मैथड, एनी टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रेन। इसमें फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। जून 17 3 ऑब्स्टेकल्स इन स्टडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड प्यूबर्टी। तो दोस्तों ये जो मैंने भी आपसे बात की है, ये लाइफ स्पेन साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है। आप इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से तैयार करते हैं, इन क्वेश्चन पेपर को जो मैंने बताया उनको ध्यान में रखते हुए, तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।